गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं लाइम ट्री, जहां पर मैं बात करती हूं आपसे हेल्दी लाइफस्टाइल और स्किन केयर के ऊपर। लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं, या आप देख रहे हैं बालों में कितनी अच्छी शाइन है, कितनी स्मूथनेस है और कितनी आप ये देख रहे होंगे बॉन्सी से नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरीके के बाल नज़र आ रहे हैं। मैंने एक पैक अप्लाई किया है, इसके पहले वाला पैक भी अगर आपने देखा होगा, अगर अप्लाई किया होगा तो आप उसका रिजल्ट ज़रूर देखे होंगे। तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा पैक, एक ऐसा अमेजिंग पैक जो आप यूज़ करके अपने बालों में यू शाइन ऐड कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि बाहर का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ, जरा भी धूप नहीं है। वैसा लाइट में दिखाती तो और अच्छी साइन नज़र आती और अच्छा आपको समझ में आता। ये मैं नॉर्मल ऐसे एक बालकनी में खड़ी हूँ डोर के सामने, और उसमें जो आपको लाइट से जो नज़र आ रहा है वो उसका रिजल्ट ये है। तो गाइज़ ये बहुत अमेजिंग सा पैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर अप्लाई करिएगा और इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जैसे मेरा पहला वाला पैक जो अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया था वो आपको पसंद आया था, वैसे ही आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मैंने ऐसे ऐड किए हैं जिसकी वजह से आपके बाल में एक स्मूथनेस, एक शाइन और एक्स्ट्रा ऐड होती है। साथ ही साथ ही आपके बालों को मजबूती भी प्रदान करता है, और एक जो ये मॉइस्चर जो मानसून चलता है ना, उसमें कभी सन धूप आ जाती है, कभी छांव हो जाती है, कभी बारिश, कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से बालों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट सी हो जाती है। और अगर वो नहीं भी है तो वेदर में कितना भी हो आपके बालों में एक अलग सी चीज़ें आपको फील होने लगती हैं और बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगते हैं, चिपचिप सा है, मॉइस्चर सा है, कुछ अलग सा नमी सी आ जाती है जिसकी वजह से बालों में डैंड्रफ भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ ये पैक सॉल्व करेगा। साथ ही आपका हेयर पैक होने के साथ साथ आपका फेस पैक के तौर पर भी काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि पैक मैंने कैसे अप्लाई किया है, कैसे बनाया है, और एक बात और, इसमें एक टोनर भी है। तो चलिए देखते हैं इस पैक को मैंने कैसे बनाया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा सोक्ड, जो है ओवरनाइट सोक्ड है ये फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना, जो कि आपके बालों में बहुत मजबूती प्रदान करता है और शाइन ऐड करता है, बालों के टूटने की समस्या को सॉल्व करता है। ये मैं इसमें थोड़ा सा हाफ कप पानी जो है डाल रही हूँ, इतना आप डालेंगे। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नीम की लीव्स। ये मैंने फ्रेश नीम लीव्स ली है। जो आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है इस मॉनसून में तो वो सारी चीज़ों को क्योर करेगी। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या खुजली हो रही है, कुछ ऐसा है, तो वो सारी चीज़ों को आपको कम आने से रोकेगी और आपके बालों में सारी प्रॉब्लम को क्योर करने के साथ साथ एक शाइन, एक मजबूती देगी और आपके जो डैमेज हेयर हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट अब इसमें ऐड करेंगे ये हिबिस्कस लीफ यानी गुड़हल की पत्तियाँ, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें बहुत अच्छी शाइन करती है, जब इसका यूज़ करते हैं आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है, आपके बालों को हेल्दी बनाती है, प्रीमेच्योर जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको आने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, और अगर आपके बाल जो है पतले हैं तो उन्हें जो ये एक मोटे होने में मदद करती है, आपके एक वॉल्यूम ऐड करती है। तो ये सारी चीज़ों को ऐड करना है और आपको थोड़ी देर इसको बॉयल करना है ताकि इसकी सारी क्वालिटीज़ इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएँ। और जो आपके फ्रिजी हेयर है, ड्राइनेस है, बाल जो ब्रेक होते हैं, टूट रहे हैं, डैंड्रफ है, स्प्लिट्स, इनसे यहाँ तक कि वो सारी प्रॉब्लम को आपको क्योर करती है। तो ये बहुत अच्छा है, इसके लीव्स और इसके फूल सारे बहुत अच्छे हैं आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये बॉयल हो चुका है, जब इतने डार्क आपको कलर नज़र आने लगे तो आपको करना होगा इसको स्ट्रेन। ये जो वाटर आप देख रहे हैं, जो स्ट्रेन है, ये है आपका टोनर। इस तरह की स्प्रे बॉटल में आपको इसको डाल लेना है और अपने बालों में रात को सोने से पहले हल्का सा इस पर स्प्रे करके फिर कॉम करके आपको सो जाना है, जो आपके बालों में बहुत अच्छे शाइन और आपकी मजबूती देगा आपके बालों में। ये जो अब है, ये सारी चीज़ों को अब हमको करना होगा, पेस्ट बनाना होगा। लेकिन उसके पहले मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश मेरी कर्ड है, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है कर्ड। कर्ड अगर आप चाहें तो इतनी मात्रा में डालें, और इसके बाद अगर आपके बाल में थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ की समस्या है तो बहुत अच्छे से क्योर करेगा, आपके बालों में एक शाइन ऐड करेगा, तो इसको आप ज़रूर डालिएगा। और ये है हमारा फ्रेश आपकी जो है हिना लीव, ये मुझे मिल गई है, अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। आपके बालों में एक कलर, एक शाइन तो ये ऐड करता ही है, आपके बालों में ये मजबूती भी देता है। तो इसको इस तरह से डालने के बाद मैं इसको कर रही हूँ, आपको ऐसे इसको ग्राइंड कर लेना है
और ये आपके बालों में बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छी स्मूथनिंग देगा। तो आप इसको ज़रूर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है बाल में, स्कैल्प में, तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो पड़े हैं वो आपके बालों में वो क्योर करेंगे। वो सब हटाने के साथ साथ आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन, स्ट्रेंथ और एक मतलब एकदम फ्रेश हेयर नज़र आने वाले हैं। तो अगर आपको यूज़ करना है तुरंत तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें जो है जब भी आपको यूज़ करना हो तो इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें और कर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा पैक और इसको आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन के हमारा ये रेडी हुआ है। तो इस तरीके से आपको बालों में, स्कैल्प में लगाना है जहाँ जहाँ आपकी प्रॉब्लम है, या आप ओवरऑल एयर में लगाना चाहें तो बहुत अच्छा है। और इससे आपके स्प्लिट्स इंड्स की जो समस्या है, जो ब्रेक हुए हैं आपके बाल, तो इस तरीके से आपके सारे क्योर होंगे। डैंड्रफ के साथ साथ आपके बालों में मजबूती, शाइन, ये सारी चीज़ें आएगी। मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया है और आप बालों के एंड तक लगाना ना भूलें। तो इसको अच्छे से आपको यूँ करके थोड़ा प्रेस करते हुए तो आपकी एक स्मूदनिंग भी हो जाएगी। तो इस तरीके से करने के बाद आप इसको वैसे बांध करके थोड़ी देर के लिए बालों को में छोड़ दें और एक एज ए हेयर पैक के साथ साथ आप फेस पैक भी लगा सकते हैं। ये मैंने लगाया है और वॉश किया है तो मुझे अपने फेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट फील हो रहा है। आई होप गाइज आपको ये पैक जरूर पसंद आया होगा। ये टोनर, ये पैक, ये फेस पैक, ये हेयर पैक, सारी चीज़ें जरूर अप्लाई करिएगा और उसके रिजल्ट चाहे तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई, और वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप प्लीज़ इसको जरूर लाइक करना मत भूला करिए। तो मैं मिलती हूँ आपको कुछ अमेजिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।